ऑन कैमरा लड़ाई यहाँ शुरू हो गया। नहीं अभी नहीं खिलाना है प्रिंस को, प्रिंस को मुंह में ठूस रखा है देखो। ऐ हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसो नहीं, पापा इधर हंस रहे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइज आज है संडे का दिन और संडे स्पेशल आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल कुछ भी हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल कुछ नहीं होता है। बाकी हम लोग जो हैं हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की, हर चीज़ को करने की कोशिश तो खैर करते ही हैं, तो ऐसा ही है। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया है और अभी मैं बनाई थी चाय, तो मैं चाय पी चुकी हूँ। लेकिन अभी ना फिलहाल जो एपिसोड देख रही थी ना, आतंक मजिया आ रहा है मुंबई में, मुंबई और बेंगलुरु आतंकवादी वाला ये अपना कुछ कोई एपिसोड देखती हैं, तो एपिसोड देख रही थी तो उसी का स्टोरी बता रही है। तो बस यही है, मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं नहीं, मुझे नहीं खाना बेटा, मैं चाय बनाई थी अपने लिए। चाय मेरा हो चुका है, बाकी इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं हमारे यहाँ, मतलब कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उन लोगों को भी आना था। अभी वो लोग बोले थे कि 10 बजे तक ही आ जाएंगे, तो हम लोग बस थोड़ा वेट कर रहे हैं। बाकी मैं खाने वाने का पूछ बोली थी कि मैं खाना बना देती हूँ, तो खाना कैंसिल हो गया। मैंने सोचा था कि अब कोई आता है ना, तो मेरा मन ऐसे ही होता है कि कोई अगर आ रहा है तो प्रॉपर खाना वाना खा के दोपहर का तब जाए अच्छे से बढ़िया से। अगर दोपहर में आ रहा है तो दोपहर का खाना, अगर रात शाम को आ रहा है तो रात का खाना खा के जाए, नहीं तो मॉर्निंग में भी आ रहा है तो मैं वैसा कुछ सिंपल टाइप का कुछ मैं बना देती हूँ। बट अभी मना कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि इनको भी जाना था कहीं, साथ में जाना है, वो लोग आएंगे और फिर साथ में चल लेंगे ये। तो अभी परी और प्रिंसू खेल रहे हैं लूडो और देखते हैं कि आज लूडो में कौन जीतता है, परी या प्रिंसू। आप लोग बताइए कौन जीतेगा, परी या प्रिंसू। अरे मेरे पापा बहुत अच्छा थे लूडो पे और पापा कहते हैं येलो कलर बहुत लकी हो, येलो ली हूं और मैं लकी हो गई। पापा पापा को भी हरा दी, बहुत अच्छे प्लेयर थे। टू टाइम अपने पापा को हराई है कल, लेकिन इसके पहले हर टाइम हार रही थी अपने पापा से, और सब में से सबसे लास्ट पार। तो कोई भी चाहता है ना, कोई भी पेरेंट चाहते हैं कि मेरे से आगे मेरे बच्चे जाएं। देखो ये प्रिंस है ना, ये सारी लेडीज को। टू बी कंटिन्यू। और मैं चल रही हूँ किचन, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं ब्रेड लेके आई हूँ। सोच रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मेरे में आइडिया है कि चलो ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब टेस्टी भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैंने आलू बॉईल किया हुआ है, तो आलू को मैश करके बीच में जो लगा के करते हैं ना स्लाइस में के बीच में, वैसे करके बनाती हूँ। तो लेकिन वही है कि बैटर उसका रेडी करना है मुझे, तो चलिए फटाफट से शेयर करती हूँ आप लोगों से भी, जितना हो पाएगा शेयर करूँगी क्योंकि जल्दबाजी है अभी मुझे। तो गाइज यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है एंड मुझे जितना बनाना होगा उतने ब्रेड को ना ऐसे स्लाइस में कट कर दूंगी, तो ये वाला जो है ना आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। और हम इस तरीके से ना बड़ा बड़ा ही बनाएंगे। अंदर में मैंने जो आलू था उसको, बॉयल्ड आलू था उसको मैंने मैश करके उसमें बाकी सारी चीज़ें भी, नमक वगैरह और थोड़े से प्याज मिर्ची डाले हैं, और उसको बीच में लगा के उसको स्टफ कर बीच में कर दिया है। और जो मैंने तैयार किया था बेसन का घोल उसमें डुबो के बिल्कुल भी, और इसको फ्राई कर दे रही हूँ। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और मतलब कम नहीं रखना है, हाई भी रख सकते हैं जिस हिसाब से भी रखना हो। और यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद से ना इसको बीच से यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद ना इसका जो मतलब जब हम सजाएंगे ना इसको, तो ये बहुत अच्छे से उभर के आता है, अच्छा लगता है। तो वो मैंने बनाया सॉस के साथ। बाकी यहाँ पे मैं चाय बिठाई हूँ, तो चाय अभी बन रही है मेरी, तो थोड़ा बस ये नमकीन बिस्किट वगैरह है और साथ में मैं चाय जो है वो रेडी कर दी हूँ। तो अभी होगा हमारा हम सबका जो भी लोग गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से ना कुछ अच्छा सा हो जाएगा, बढ़िया सा। तो चलिए अभी चलते हैं। मालूम था नहीं कि बारिश कपड़ा डला हुआ है। बोले देखिए आम फर गया।
तो अभी यहाँ पे मैंने लिया है ओवन केक, जो कि बिना ओवन के मैं बनाने वाली हूँ, और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही अच्छा बनने वाला है, क्योंकि ये बन चुका था तो मैंने देखा। और यहाँ पे जो पाउडर था उसका, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक एग डाला है मैंने, आप इसमें दो एग भी डाल सकते हैं अपने अनुसार। और उसके बाद से यहाँ पानी से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा डाल के ना इसको पहले अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लंग्स जो होते हैं वो ना रहें। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। वैसे ही हम फेंटते जाएंगे तो थोड़ा और गीला होता जाएगा, हमें बहुत गीला जो है ना नहीं करना है, वरना चिपचिपा सा हल्का सा हो जाएगा ये। तो बस ये अच्छे से हो गया है, और इसमें वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हमने डाल दिया। डालने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आई थिंक कि मतलब इतना मिक्स करेंगे ना कि थोड़ा सा भी लंग्स इसमें बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है। फिर मैंने पैन लिया है जो कि केक बनाने वाला है, तो आप किसी भी शेप का कोई भी पैन ले सकते हैं। तो इसमें मैं इसको सारे जो पेस्ट मैंने बना रखे हैं ना, इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो हल्का हल्का सा मतलब करके ना पूरा इसमें डाल देना है, गिरा देना है। ये शेप जो है ये अपने आप इसमें आ जाएगा, जैसे जैसे इसमें ये डलता जाएगा वैसे वैसे इसका शेप अपने आप ही आ जाएगा। तो बस इसको मैंने सारा डाल दिया, आप देख सकते हैं कि अपने आप वो नीचे की तरफ बैठ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पीनट लिया है, तो आप जो भी चीज़ों से आप सजाना चाहते हैं, काजू हो गया या फिर जो भी चीज़ हो गया उससे आप कर सकते हैं डेकोरेट हल्का सा। तो मैं अभी ही कर दे रही हूँ, क्योंकि जब ये बन जाएगा ना तो इस ये थोड़ा फूलेगा जब, तो फूल के ही ऊपर साथ में पीनट आ जाता है, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मैंने कर दिया है। और अभी क्या करेंगे, हमारे पास ओवन तो है नहीं, तो कुकर में पानी ले लिया है मैंने। कुकर का पानी जो है वो बॉयल कर दिया है थोड़ा, और उसके बाद से इस पैन को इसमें डाल दिया है। तो कुकर के हिसाब से हमारा पैन होना चाहिए, मतलब उससे हल्का सा छोटा होना चाहिए। अब इसको डाल के मैंने अब सीटी लगा के ना बंद कर दूंगी, और इसके बंद करने के बाद ये सीटी जो है वो निकाल के अलग कर दे रही हूँ। और इसको हम आई थिंक कि मतलब 25 मिनट से 30 मिनट तक हमें वैसे ही छोड़ देना है। पहले मीडियम फ्लेम रहेगा, फिर थोड़ा सा लो कर देंगे बाद में। और खोलने के बाद देखिए केक बनके पूरा तैयार हो गया, पूरा ऊपर तक देखिए फूल गया है। अब चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो इसको पहले ठंडा करेंगे, 10 मिनट छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और चारों तरफ से चाकू की हेल्प से हम उसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे उससे। और वैसे वो अलग ही रहता है, क्योंकि हमने उसमें ऑयल या घी मिला के रखा हुआ है। और जब इसको मैंने निकाला है तो आप देख सकते हैं, इसको चलिए पलटते हैं, इतना स्पंजी बना है ये, इतना मतलब प्यारा बना है कि मैं क्या ही कहूँ। तो अभी टेस्ट तो किया नहीं है, लेकिन टेस्ट करके भी आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को भी टेस्ट कराएंगे। तो परी यहाँ पे कर रही है डेकोरेट। वैसे नहीं करते हैं बेटा डेकोरेट, ऐसे ही होता है। ठीक है, करना है तो ऐसे करिए, करना है तो चारों तरफ चुआते हैं। हो गया, बस बस बस, ये होता है केक। ये बहुत ही स्पंजी बना है, ये तो लास्ट क्लिक से भी एकदम स्पंजी। सो गाइस, इसके वीडियो के बाद, तो गाइस ये रहा केक जो बन के रेडी हो गया है। और किस चीज का कुछ रीजन है पापा बताएंगे आपके। परी ने बोला था कि अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, बट सी गॉट वेरी गुड मार्क्स इन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, नो कन्नड़ में, ठीक है हिंदी। तो वही जो रीजनल भाषा होता है, भाषा में नहीं आया लैंग्वेज। तो ये इसलिए केक बना दी हूँ मैं, उसके पहले ही वो बोल रही थी, तो पीटीएम तो हो चुका बीच में। परी देखिए, ऑन कैमरा लड़ाई यहाँ शुरू हो गया। तो सारे सब्जेक्ट में इसका, सारे में नहीं, तीन चार सब्जेक्ट में मतलब टू, अरे दो नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट में आपका 2 मार्क्स ही कमाया है, अबव 90% हर सब्जेक्ट में आया है एक्सेप्ट हिंदी। और पिंसु का भी हर सब्जेक्ट। हैप्पी सेलिब्रेशन डे। अच्छा नंबर। अच्छा सुनो एक मिनट, नहीं अभी नहीं खिलाना है प्रिंसू को। प्रिंसू कितना मार्क्स आया आपका? 5-5। और उसके बाद वाला में, उसके बाद वाला में, नहीं मत खिलाइए स्टॉप। नहीं नहीं। अच्छा अपने आपको मैं कैसे दिखाऊं? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो रुके, एक और गाइस, पापा नहीं खा पा रहे, पता नहीं, रबड़ी खा जाइए आप सबके लिए गाइस, क्योंकि इसका मार्क्स अच्छा है। सब लोग फैमिली है, वैसे भी आप लोग सबसे बड़ी फैमिली है, हर चीज में आप लोग हर चीज को शेयर करना, बताना कि कहाँ गलत है क्या सही है कुछ भी उसके लिए। लेकिन प्रिंसु ज्यादा खा रहा है, जितना मार्क्स आया उससे काफी ज्यादा खा रहा है, इतना नहीं खाना चाहिए।
अगर अगर बाकी में नहीं आया, और बाकी में अगर कम भी आता है तो क्या बोलता है, 10 में 6 आया था तो बोल रहा था कि अरे लास्ट वाला में आया था ना 5, बार बार उसी को दिखाता है रिपीट करके। अच्छा बताओ केक कैसा बनाया, कोई बताया ही नहीं। आपने खाना? नहीं। अच्छा ठीक है, पापा नहीं खाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। ओके लाओ लाओ, मैं कट कर दो, थोड़ा सा कट करके मैं खा लूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये ना पीनट लगाया था मैंने उस टाइम पे, ये मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। लो मेरे तरफ से। ओके प्रिंसु ठूस रखा है, देखो थोड़ा ऐपर ही नहीं बेटा। अभी इसके मुंह में कहाँ जाएगा, अंदर बाहर ही निकल जाएगा। ऐ हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसो नहीं, पापा इधर हंस रहे हैं। पापा कैसे हंस रहे हैं। चलो ठीक है, ये हम लोग केक फिनिश करते हैं, ठीक है। तो गाइज बस दिन में आज वही केक वेक बना, उसके बाद से थोड़ा घर का जो साफ सफाई होता है वो साफ सफाई में लग गई थी, तो बहुत सारा थोड़ा साफ सफाई हुआ घर का। और केक बनाने का आप लोग रीज़न तो जानते ही हैं, परी के वजह से। तो वही है कि हर सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो चाहे कुछ भी हो, आप छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत कुछ नहीं समझा सकते हैं ना, और समझाने की बात भी नहीं है, मतलब अच्छा रिजल्ट था सब कुछ था, तो उसको बस एक छोटा सा ये चाहिए था। नहीं तो अगर वैसा होता तो उसको बाहर जाके खाना खाने का जो होता है ना, डिनर टाइम जो होता है उसको बाहर एंजॉय करना होता है, तो उसका इतना ही विश होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा लंबा विश होता है। प्रिंस आ गए हैं खेलने, तो फिलहाल चलिए अभी ऐसे मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, तो अभी वीडियो को एंड करना चाह रही हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक आप लोग जो है ना वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।